सिर में मारे के हाथ हो पता क्यों रोई माँ गंधारी गया शरीर माता शंका है मिटा तेरी आया तेरी क्यों आंखों में नीर माता शंका है मिटा तेरी आया तेरी क्यों आंखों में नीर माता जग के लेक दिन लिकड़ा रे जग के लेक दिन लिकड़ा पर मेरे लेक रात हुई किसे कहना हुई जैसी मेरे संग में घात हुई जिस कारण मन पट्टी खोली संग में मेरे बात हुई जिस कारण मन पट्टी खोली हासिल नाम बात हुई हो रब कर गया घड़ी पाक भात हो सुन दुर्योधन पलकारी नए खाव लाख कर जा नंगा करके भेजा रही दुश्मन धर्म मा मजाक कर जा नंगा करके भेजा रही दुश्मन देव दानव मानव हरने कर्म साथ बांध लिए दोष ना किसे का हाथ अपने हाथ बांध लिए नंगा करके भेजा ते तन फूलर पात बांध लिए नंगा करके भेजा ते क्यों हो नंब किस ते करूं मैं शिकायत हो दुख काया मैं
परमा हृदय में न ज्ञान बैठा फूल और पत्ते बांधन से बतारी कौन सा नुकसान बैठा फूल और पत्ते बांधन से बता आंख खोल देख सर के आंख खोल देख सर के ऊपर आसमान हो गया फूल और पत्ते बांधन से मेरा पेड़ा ते अधूरा रह गया सारा तन सारा तर तेरा पज्जर रह तू चंगा तेरे कच्चा रह गया सारा तन तेरा पज्जर होया चंगा तेरे कच्चा हो गई आवे हाथ ना बात हो लाख करो चाहे धर्म को महसूस कर क्या खुली नहीं गांठ लग रही धर्म को महसूस कर क्या कृष्ण के कहने से रीमा में शर्म को महसूस कर क्या होनी हो कर जगत में होनी हो कर जगत में कहने ने सवाल बन जा लड्डन सिंह कह समझने खातर अपना अपना ख्याल बन जा मन चाही ना होती जग में हर चाही तत्काल हो जा मन चाही ना होती राजबल हर चाही तत्काल बन जा हो सदा करता वो अपनी चाह फस रहे है भूल में नर नारी सर में मारे के हाथ हो जो रोई मां गंदारी एर मां का राज और ना बाप की जो धरे ओ यार माँ का राज और ना बाप की जो धरे यार प्यार रहा ना भाई का मरदे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई के हो के मरदे गुलाम वीर के बहू ने ले लिया माँ का राज बहू ने ले लिया चार घर की तारी का अच्छी बुंडी छोरा कहते कया मान घर आड़ी का अच्छी बुंडी छोरा
से नंगा हांडे नर कुर्ता सिवता हाड़ी का बरे तमा से नंगा हांडे कुर्ता सिवता अरे सास ससुर भी ऐसे हो गए सास ससुर भी ऐसे हो गए ये तो खाजा मार जवाई का हो गए पर गुलाम भी के पर महाराज गुलाई का हो गए पर गुलाम भी के पर महाराज लुगाई का ते कति सरे कोना मास खा लिया फिर आले सुके टूक बगाते जिनसे पेट भरे तो ना छोरे की बहू भूल बिसर के चरणा में सी धरे कोना छोरे की बहू भूल बिसर के छोड़ के पूछे घर का मंदिर ये तो मंदिर देवी माई का हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का अज पाड़ू मुस न पूते की बहु जेठ ने तू कह दे अज पाड़ू मुस न पूते की रम्मा बापा की कदर इसी से जनो गली के पुते की इसी वीर के मर्द फिर भी नोक चाट ले जूते की करो पर साहब बने हांडे से हो घर में मुंह से कुला करो पर साहब बने हांडे से अरे सुल्फा गंजा
दारू पी के कई जने हांडे से। सरदार सिंह तू के गावेगा इस गावनी हांडे से। हो दार सिंह तू के गावेगा श्री लक्ष्मी चंदे बने हांडे से। लक्ष्मी चंदे बने हांडे से। रागनी होगी सत्यवान सावित्री के इतिहास से। बात उस मौके से जब नारद मुनि सावित्री को बताते हैं कि सत्यवान की आयु मात्र 1 साल की है। सावित्री किसी की नहीं मानती है तो सत्यवान के साथ में शादी कर लेती है। और वही दिन आ जाता है, साल का आखिरी दिन था, तो सत्यवान कुल्हाड़ी और आरा लेकर बियाबान जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल दिया और पहुंच जाता है। और सावित्री भी सत्यवान के साथ में थी। तो जब वो सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटता है तो उसके सर में दर्द हो जाता है। तो मेहरबानों किस तरीके से सत्यवान सावित्री से कहने लगा, आइए भाई। हेरी प्राणो प्यारी और हुया दुख भारी और प्राणो प्यारी हुया दुख भारी। नैया मेरी तू भी मझदार, तू भी मझदार प्राणो प्यारी हुया दुख भारी। ओ प्राणो प्यारी हुया दुख भारी। कटारी होगी काल जे में पार जिंदगी की नैया मेरी मझदार, तू भी मझदार। मझदार, तू भी मझदार।
फिल्म नाट्या था, तने मेरा सुख दुख बांट्या था, टेम कंग ले संग काट्या था, तने मेरा सुख दुख बांट्या था, टेम कंग ले संग काट्या था। तेरी बाहों में भर ले, गोटा पधर ले, देता है मुझे लेने के लिए यमदूत खड़े हैं, और सावित्री मेरे मरने के बाद में तुझे एक बात का ध्यान रखना है, मेरे स्कूल को कभी बट्टा नहीं लगाना। तो मेहरबानो आखिरी बात में कवि ने क्या लिख दिया, बहुत अच्छे भाई। और समय का मौका हवाला रहेगा कि जिस समय 17 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, 17वें दिन दुर्योधन के 99वें भाई वीरगति को प्राप्त हुए, कर्ण बलि भी उसी दिन मारे जाते हैं,
और मामा शकुनी भी उसी दिन साथियों महाभारत में मारे गए। केवल तीन योद्धा बचे दुर्योधन के पास में, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। कृतवर्मा जो श्री कृष्ण जी ने नारायणी सेना दी थी उसके जो सेनापति थे उनका नाम कृतवर्मा था। कृपाचार्य जो उनके पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे, और अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण के पुत्र थे। वो केवल साथियों तीन योद्धा बचते हैं। दुर्योधन सोचने लगा कि इन तीन योद्धाओं से कल का युद्ध नहीं निकल पाएगा। जब आदमी को कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो साथियों केवल मां याद आती है। आज दुर्योधन अपनी मां गंधारी के पास में चलता है, पहुंच गया, प्रणाम किया, प्रणाम माते, प्रणाम दुर्योधन। खुशी तो हुई मां गंधारी को, लेकिन साथियों दुख भी हुआ कि हो सकता है कि कल का सूर्य अस्त तक तेरे बेटा ये दुर्योधन जीवित रहे या ना रहे। साथियों एक मां की ममता बहुत ही अमिट हुआ करती है। मां मैं तेरे पास में आया हूं। मामा शकुनी भी, करण बलि भी और मेरे 99 भाई भी आज खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मामा शकुनी ही सलाह दिया करते थे दुर्योधन को, और आज वो जब सलाहकार ही खत्म हो गए तो कोई रास्ता नजर नहीं आया। क्या पूछना चाहता है पूछ बेटे दुर्योधन। पूछना यह चाहता हूं कि मां कल का युद्ध बचा हुआ है, मैं कल के युद्ध को जीतू कैसे, मुझे इसका रास्ता बता। गंधारी कहने लगी कि बेटे मैंने तुझे समझाया तो बहुत, लेकिन तूने मेरी बात मानी कहां। एक बात के द्वारा दुर्योधन अपनी मां से क्या कहता है, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से क्या बताया, क्या कहा। बता हो बुद्धिहीन दिया साथ छोड़, करता ना काम मता कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता माता, रास्ता हो यार बता बुद्धि ने दिया साथ छोड़, बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करता ना काम मता माता कोई दुर्योधन के बचने का बता माता, रास्ता हो याद बता माता। अरे डलने वाली जंग करना पड़े सवेरा, दुर्योधन को, दुर्योधन को चमके है मां चारों तरफ अंधेरा रे हो, चारों तरफ अंधेरा। अरे बचा लिए बेटे ने नहीं तो वंश नष्ट हो तेरा, तेरे सारे बेटे आज मरे तड़के है नंबर मेरा रे, तड़के है नंबर मेरा। कौन सा गया कर्म सता माता कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता माता, रास्ता हो यार बता माता।
सामी दिन सतरा कहरे हो सामी दिन सतरा कहरे मन पास बुला के पूछ लिया मन न्यू पंडित पत्रा कहरे राहु केतु चढ़िया शनिचर वे भी कल के दिन खतरा कहरे हो कल के दिन खतरा कहरे मेरी है उलझन में जाने अभी मेरी है उलझन में जाने अभी चलता ना सा पता माता कोई बुरी उधर के बचने का रास्ता हो यार पता माता रास्ता हो यार पता माता ओ रास्ता तो बता दूंगी बेटे लेकिन पहले तुझे मुझको तीन वचन देने होंगे तीन वचन हाँ साथियों तीन वचन ले लिए दुर्योधन से और दुर्योधन से कह दिया कि मैं जानू सू दिल पत्थर ना जानू सू दिल पत्थर ना कर हृदय नरम बतावेगा और बचने की तरकीब तुझे कुंती का धर्म बतावेगा तुझको बचने की तरकीब कल के युद्ध को जीतने की तरकीब कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बताएगा उसके पास चला जा। साथियों जब ये बात सुनी दुर्योधन ने तो सैम दैम रह गया और कहने लगा कि मां कल उनसे ही तो मेरा युद्ध होना है धर्मराज युधिष्ठिर मुझे जीत का रास्ता क्यों बताएगा। लेकिन साथियों मां गंधारी इस बात को अजमाना चाहती थी कि धर्मराज युधिष्ठिर अगर जो धर्म के पक्ष में होगा
तो दुर्योधन को जीत का रास्ता जरूर बताएगा, और हो ना हो जीत का रास्ता भी इसको नहीं बताएगा तो कम से कम इसको किसी भी रूप से वो समझा बुझा करके इस युद्ध को यहीं रुकवा देगा, और तेरा एक बेटा कम से कम जीवित तो रहेगा, तेरा चिराग एक बेटे के रूप में इस कुल को रोशन करेगा। साथियों मन के अंदर तो चाहना नहीं थी दुर्योधन के, लेकिन मां गंधारी को तीन वचन दे दिए थे। रात आती है, धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर की तरफ चलता है, लेकिन जब दूर से देखा धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को आते हुए, तो मन में साथियों तरह तरह के ख्याल आ जाते हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर ये सोचता है कि पता नहीं आज कितना दुख लेकर के मेरा भाई दुर्योधन मेरे पास में आ रहा है, आज इसके 99 में भाई युद्ध क्षेत्र में मर गए। आसन छोड़ करके खड़ा हो जाता है, रिश्ते में धर्मराज युधिष्ठिर बढ़ाता साथियों दुर्योधन से, लेकिन छोटे के लिए कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गया। और यहां का वर्णन कवि ने किस तरह से दिया है और बताया भी है कि इंसान अगर जो दूसरों को सम्मान देता है तो परमात्मा एक दिन उसको भी सम्मान लेने के योग्य बनाता है, किस तरह बताया आइए सुनते हैं। जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा, बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा।
खोल बताते हूँ करने ने प्यार बताओ जो करवाना चाहते घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे सिर जो हुक्म चढ़ाते तकलीफ करी तकलीफ करी क्यों आने की इस दास को वही बुला
भाई भतीजे बेटों की पड़ी तड़ फैला चपेरा, भाई भतीजे बेटों की पड़ी तड़ फैला चपेरा। अरे यहाँ की बात खत्म यही कर दे, कहा मान जा मेरा, हर सर के ऊपर हर सर के ऊपर ताज राज कर, हुक्म चलेगा तेरा। अरे सर के ऊपर ताज राज करे, हुक्म चलेगा तेरा। हमें कौन कहेगा भला धरण, हमें कौन कहेगा भला धरण, जब तकिया खास रहेंगे तेरे हस्तापुर के दास, तेरे हमें बन के दास रहेंगे, हस्तापुर के दास, तेरे हमें बन के दास रहेंगे। जलाए रह जाके दोनों घर में, अब भी दीपक जले जलाए रह जाके। हम आधीनी से तेरे सहारे, आधीनी से तेरे सहारे घर से बात रहेंगे, सर हस्तापुर करा तेरे हमें घर के दास रहेंगे, हस्तापुर करा तेरे हम घर के दास रहेंगे। जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना, जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। कह लड्डन सिंह राज बल हिरदा सुना ज्ञान विचार बिना, चाहे कितना है प्यालो, चाहे कितना है प्यालो दूध सरप पर चूके न फुंकार बिना, चाहे कितना प्यालो दूध सरप पर चूके न फुंकार। अरे कुमारक पचल के बहुत से, कुमारक पचल के बहुत से घर के दास रहेंगे, हस्तापुर करा तेरे हमें बन के दास रहेंगे, हस्तापुर करा तेरे हमें बन के दास रहेंगे। धन को धर्म आज कुछ और मान गया, तेरे थोरे चल के आ गया तू, तेरे थोरे चल के आ गया तू, हम चोर मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया, इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और महान निका। तेरे धोरा चल के आ गया तू, तेरे धोरा चल के आ गया तू, कब चोर मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और महान निका, दुर्योधन को धर्म आज कुछ और महान निका। We'll be right back.
धर्म धर्म है मेरा, अरे कुटुंब खपा के राज करूं का, धर्म धर्म है मेरा। मन बुद्धि सवंचित दिल में, मन बुद्धि सवंचित दिल में, मन ढोर मान गया। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ होता है तो उधर बलराम दाऊ उसके पास में जाते हैं, कहने लगे दुर्योधन तेरा ये क्या हाल हो गया। कहने लगा दाऊ इसमें पांडवों की कोई खता नहीं है, ये सारी चाल उस कृष्ण भगवान की है, उस छलिया की। और मेहरबानों किस तरीके से दुर्योधन क्या कहने लगा, और ताऊ जी इन पांचों के छले
रोम रोम में भरा हुआ। हर इनकी के औकात कामियो सब कृष्ण का दरिया हुआ। इनकी के औकात कामियो सब कृष्ण का दरिया हुआ। कौन सा कर्म नहीं फिर सारी खोल बता दूंगा इन्हें किया कौन सा कर्म नहीं। तेरा दुनिया भर में देख लिया कोई इन जैसा बेशर्म नहीं। वीर जुए में धरी दाव पे ये छतरी का धर्म नहीं। वीर जुए में अर्जुन ने पर हार दिया। लेके आड़ से खंडी की करे अर्जुन ने पर हार दिया। हो रे मित्र प्यारा करण बली वापी धोके तमार दिया। गुरु द्रोण के बारे में ते सबने जुलम गुजार दिया। गुरु द्रोण के बारे में ते सबने जुलम गुजार दिया। कृष्ण का करया हुआ। इनकी के औकात कामियो सब कृष्ण का करया हुआ। एक एक करके पूछ लिए इन नाम बाप का याद नहीं। एक एक करके पूछ लिए इन नाम बाप का याद नहीं। और खुद को पांडु पुत्र बता मैं ये पांडु की औलाद नहीं। कृष्ण चला की कर गया मैं रह होता न्यू बर्बाद नहीं।
पर कृष्ण चला कर होता जो बर्बाद नहीं इन्हें पाप किए कृष्ण का करा हुआ इनकी के औकात कामियो सब कृष्ण का करा हुआ कर गंगा स्नान नगन में रे माँ के सामी जावे था कर गंगा स्नान नगन में माँ के सामी जावे था मेरे पत्ते बनवा दिए रे दांत में गहरी चाल चलावे था राजकुमार तालान अलीपुर रहनियों के धोखा खावे था राजकुमार तालान अलीपुर रहनियों के धोखा खावे था और महर सिंह भी चाहवे था रे महर सिंह भी चाहवे था रे खोटा चेला भरिया हुआ इनकी के औकात कामियो सब कृष्ण का करिया हुआ कृष्ण का करा हुआ इनकी कोई औकात कामियो सब कृष्ण का करा हुआ हो रे माँ की ममता करहा पन्ना ने दे दिया इशारा दिल पे पत्थर धर के री हो दिल पे पत्थर धर के माँ की ममता करहा उठी थी माँ की ममता करहा उठी थी जान डर का करके पन्ना ने दे दिया इशारा दिल पे पत्थर धर के री हो दिल पे पत्थर धर के तलवार उठा बनवीर महल में आया आंख के डोरे लाल हुए थे भबक उठी थी काया देख भयंकर रूप दुष्ट का माँ का जी घबराया इस दुनिया से आज चला जा इस दुनिया से आज चला जा मेरा इकलौता जाया रे यारी सोचन लगी लाड लटा लो सोचन लगी लाड लटा लो की कोड़ी भर के पन्ना ने दे दिया इशारा दिल पे पत्थर धर के रहो दिल पे पत्थर धरे के Thank you.
दुखिया का दिल तड़पी उठा, दुखिया का दिल तड़पी उठा, सीने में लागे भाले बांध सबर का टूटन लाग्या, धरती अंबर हाले मन कहता था के बेटे ने छाती से चिपका ले, चंदन बेटा फेर मिले नारी जी भर लाड लड़ा ले रे हो, जी भर लाड लड़ा ले, गहरी गहरी चोट देख धरती भी, गहरी चोट देख धरती भी, फेर तले तसर के बंदा ने दे दिया इशारा, दिल पे पत्थर धर के रे हो, दिल पे पत्थर धरे पापी ने, एक बार सोची पापी ने, तू सारा भेद बता दे, जो होगा सो देखा जागा, लाल के प्राण बचा दे, फर्जी याद कर के पल भर में दिए बदली राते, न्यू बोलिया फिर न्यू बोलिया, बन वीर उदय कितरी सोवे मने बता दे रही हो, तलवार पलंग पे पहुंच गया बेदर्दी, माँ की छाती तहल उठी, चेहरे पे छागी जल्दी, दांत भींच के फिर दांत भींच के वार किया था, काट के नाड़ अलग करती हो, काट के नाड़ अलग करती, अमर हुए हरे राम बैसने, अमर हुए बुद्धि
रूप हुसन योरे जुबा रसीली ये मिलती नहीं उदारी ओ रूप हुसन योरे जुबा रसीली ये मिलती नहीं उदारी एक सुघड़ आदमी चातर नारी सुघड़ खोटा पावे जो अपने आप सराहना कर ले मानस छोटा पावे कम खाना और गम खाना वो मानस मोटा पावे ओ, 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 ओ,
काम में लागे दान करे ते धन घटता ना यो ध्यान राम में लागे हो होते अच्छा काम न लागे श्री लक्ष्मी चंद भी दोनों वक्ता राधे श्याम में लागे। ओ, 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 ओ,